सो मैं अभी गोवा गई थी और मेरा ना स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गया है, बहुत ज्यादा टैन हो गई हूँ मैं, तो चलो स्किन केयर करते साथ में। सो आप जब भी स्किन केयर करते हो ना, तो स्किन केयर में सबसे पहले आपको क्लेंजिंग करनी होती है, चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर लो। तो यार मैं तो सिटाफिल यूज करती हूँ क्लेंजर, मेरी स्किन पे बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत सॉफ्ट हो जाती है आपकी स्किन। अगर आपने कभी ट्राई नहीं किया ना, तो ट्राई करके देखना। गाइज वैसे तो मुझे ज्यादा ब्लैक हेड्स वगैरह का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्टिल मैं ना 15-20 दिन में एक बार पील ऑफ मास्क लगा लेती हूँ। यहाँ पे मैं लव अर्थ का पील ऑफ मास्क लगा रही हूँ। इसको बेसिकली मैं लिटरली ज्यादा नहीं, और मैं बहुत यूज करती हूँ इसलिए काफी टाइम बाहर निकल रहा है, ये देखो। सो मैं इसको बस इतना ही लेती हूँ, ब्लैक हेड्स वगैरह के लिए काफी सही रहेगा। सो गाइज इसको अभी 15-20 मिनट लगने वाले हैं, तब तक मैं अपना लिप स्क्रबिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं बेला वीटा का निको लिप्स कॉम्बो यूज करूंगी। आप देख सकते हो मैंने काफी बार यूज कर लिया है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी बहुत अच्छी है इसकी फ्रेग्रेंस। आई एम टेकिंग दिस मच एंड ऐसे रख के आपको लिप्स पे स्क्रबिंग करनी है, जैसे आप फेस स्क्रब करते हो एग्जैक्टली सेम आपने लिप्स स्क्रबिंग करनी है। लिप्स ना काफी पिंक पिंक भी हो जाते हैं, सो 15 दिन में कर लो, काम आ जाएगा। सो गाइज इसको मुझे अब 2-5 मिनट तक तो ये लिप स्क्रब जो है मैं ऐसे ही रखूंगी, एंड उसके बाद मैं इसको नॉर्मल वाटर से वॉश करके आ जाऊंगी। तब तक वेट करो, मैं आई 2 मिनट। सो गाइज जब तक ये सूखेगा ना, तो अब मैं अपने फेस पे उबटन लगाने वाली हूँ। ये मैंने फॉरेस्ट एसेंशियल से खरीदा था और इसमें नारंगी एक्सट्रैक्ट है। अगर मैं इसको खोल के दिखाऊं तो ये कुछ आपको ऐसा दिखेगा। हाफ स्पून आपने ये जो पाउडर है उबटन है वो लेना है, लाइक मैंने लिटरली इतना लिया है, हाफ स्पून। मैं इसमें रोज वाटर मिलाऊंगी, रोज वाटर मैं यूज कर रही हूँ विश केयर का, और उसका मैं पेस्ट बनाने वाली हूँ। तो ये ऐसा इसका पेस्ट सा बन चुका है, ये मैंने एकदम वाटर नहीं करा, ये इस तरीके का पेस्ट बना है। लिटरली ऐसा लग रहा है मैं संतरा लगा रही हूँ अपने फेस पे। लिखा है कि ये ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है इसमें, नारंगी बेसिकली, और मुझे लिटरली बताऊँ ना तो फीलिंग भी आ रही है कि मैं सीरियसली जैसे ऑरेंज ही लगा रही हूँ अपने फेस पे। सो यहाँ पे मैंने जो उबटन है वो लगा लिया है, और इसको मुझे लिटरली 15-20 मिनट देने हैं सूखने के लिए, उसके बाद मैं इसको उतारती हूँ। बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा यार, मतलब मुझे लगता था इसमें बहुत पेन होगा, बट इसमें बिल्कुल पेन नहीं हो रहा। सो आप देख सकते हो मेरे ब्लैक हेड्स तो बहुत कम है, लेकिन व्हाइट हेड्स हैं। आई एम सॉरी ये दिखाने के लिए, बट येस अगर कई लोगों को होता ना कि आप दिखाओ तो सही दिखाते नहीं, तो ये देखो भाई व्हाइट हेड्स तो मेरे भी हैं बट बहुत कम है। सो अब इसको हो गया है ऑलमोस्ट 15 मिनट्स, अब मैं इसको रिमूव करूंगी ऐसे। यार इतना ज्यादा फ्रेश फील हो रहा है ना मुझे, इतना ज्यादा बढ़िया लग रहा है ना इसको हटाने के बाद, इतना रिफ्रेशिंग सा लग रहा है, मजा आ गया यार इसको यूज करके। भाई ये प्रोडक्ट तो सच में लेना, बहुत अच्छा है। सो अब मैं अपना फेस वॉश करके आती हूँ पानी से, नॉर्मल वाटर से, और 2 मिनट में। सो अभी यहाँ पे मैंने वो जो मेरा उबटन मास्क था वो उबटन मैंने हटा लिया, और मेरा फेस इस टाइम पे ना डैम्प है, बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है और पूरा वेट नहीं है। सो ऐसे ही फेस पे मैं अपना मॉइस्चराइजर लगाती हूँ। यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर यूज़ कर रही हूँ सिटाफिल का, ठीक है, और ये मेरा स्किन केयर रूटीन है। और यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर लेती हूँ लिटरली इतना, क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीसी सा हो जाता है कभी कभी अगर आप ज़्यादा ज़्यादा लगा लो। सो यहाँ मैं डैम्प स्किन पे ही अपना मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रही हूँ। इसके अलावा आज मैं नाइट क्रीम कुछ नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ प्रोडक्ट लगाए हैं, भले वो जैसे भी प्रोडक्ट हों, आप कह लो कि ये तो नेचुरल प्रोडक्ट से जो भी था, लेकिन मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स एक साथ नहीं लगाती हूँ। अब जैसे मैंने ये उबटन लगा लिया, तो मे भी ये उबटन अब मैं 15 दिन बाद लगाऊंगी, या फिर हो सकता है 1 मंथ बाद। सो या
सो अभी आपको मेरा फेस जिस तरीके से लग रहा है ना, जितना ज़्यादा वो चिकना सा हो रखा है, मैं ऐसे ही रखती हूँ अपना फेस नाइट में जब मैं अपना स्किन केयर करती हूँ, तो वो इतना चिकना होता है और आधे घंटे बाद ना ये सारा अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाएगा। सो शायद यही है मेरी स्किन का जो आप शाइन बोलते हो वो राज। और इसके बाद मैं लगाने वाली हूँ लिप बाम। यहाँ पे मैं बेला वीटा की लिप बाम लगा रही हूँ और ये जो लिप बाम है ना वो टिंटेड नहीं है। टिंटेड से मेरा मतलब है कि एक प्लेन लिप बाम है, इसमें कोई कलर नहीं है, इट्स कलरलेस। सो ये मैं अप्लाई कर लेती हूँ। बहुत ड्राई लिप्स होते हैं तो उनको काफ़ी अच्छा मॉइस्चर देने के काम आती है। सो गाइज, बस यही था मेरा स्किन केयर रूटीन। सो मैं जब गोवा से आई थी तो मैं बहुत ज़्यादा टैंड हो गई थी और गोवा से आए हुए भी मुझे शायद 3-4 दिन हो चुके हैं। सो ये मेरा सिंपल सा स्किन केयर हो गया आफ्टर गोवा। और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हो। एक एक प्रोडक्ट का लिंक मैंने डाला हुआ है, तो आप जाइए वहाँ से सामान खरीदिए और मुझे कमेंट में बताना कि आपको सामान लगा कैसा। वीडियो कैसा लगा गाइस ज़रूर से बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।